बहुत समय पहले अमेज़न के जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक बार टुनटुनी चिड़िया का पति बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया, मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। टुन्नो, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया विलाप करने लगी। पास में बैठी पिंकी चिड़िया भी रो रही थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। उनके घर का सारा राशन भी खत्म हो गया था। तब हिम्मत करके टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जाती है। जाने से पहले वो अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को समझाती है। बेटा, तुम घर से बाहर मत निकलना, मैं शाम तक भोजन लेकर लौटूंगी, तब तक तुम घोंसले के अंदर ही रहना। ठीक है माँ, मैं नहीं निकलूंगी। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही हरी ताई का बेटा मिट्ठू तोता टुनटुनी के घर आता है। अरे पिंकी, चला चलकर खेलते हैं। जब से तेरे पापा गुजरे हैं, तू खेलने के लिए नहीं आती है। नहीं मिट्ठू, मैं खेलने नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे घोंसले से बाहर निकलने को मना किया है। पिंकी, तू अपनी माँ से बहुत डरती है। तू चल, तेरी माँ के वापस लौटने से पहले हम लोग खेलकर वापस चले आएंगे। और मिट्ठू तोता के बार बार जिद करने पर पिंकी चिड़िया उसके साथ खेलने के लिए चली जाती है। और अपनी माँ के घर वापस लौटने से पहले खेलकर अपने घोंसले में लौट आती है। शाम को, बेटा आज तू घोंसले में अकेली थी, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ला मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को भोजन देती है। अब रोज भोजन की तलाश में जाती। इधर पिंकी चिड़िया खेलने निकल पड़ती। एक दिन, माँ तुम मुझे रोज रोज गेहूं के दाने खाने को देती हो, आज मैं इसे नहीं खाऊंगी, मुझे चने के दाने चाहिए। बेटा आज तू ये गेहूं के दाने खा ले, कल से मैं तेरे लिए कहीं से चने के दाने लेकर आऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के पास जाती है और उससे कहती है, सेठ जी मुझे थोड़े से चने के दाने चाहिए, क्या आप मुझे चने के दाने दोगे? मेरी बेटी कई दिनों से चने के दाने खाने की जिद कर रही है। ठीक है, मैं तुम्हें चने के दाने दे सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मेरे खेत को साफ करना होगा। लेकिन सेठ जी, इस खेत पे तो कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई है, मैं इन्हें कैसे साफ करूंगी? सोच लो टुनटुनी बहन, अगर तुम इस खेत की सफाई करोगी तो ही मैं तुम्हें चने के दाने दूंगा। कुछ देर सोच कर टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ, मुझे चने के दाने दे दो। टुनटुनी, खेत की सफाई पूरी हो जाने पर ही मैं तुम्हें चने के दाने दूंगा। टुनटुनी चिड़िया दिन भर खेत की झाड़ियों की सफाई करती है। सफाई करते करते वो लहू लुहान हो जाती है। शाम को वो दाना लेकर घर लौटती है। पिंकी बेटा ये ले, मैं तेरे लिए चने के दाने लाई हूँ। पिंकी चिड़िया चने के दाने बड़े चाव से खाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाते हुए देख रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची की खुशी के आगे मेरी जख्म कोई मायने नहीं रखते, मैं अपनी बेटी को दुखी होते कभी नहीं देख सकती। टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है। इस कहानी से आपको भी सीख लेनी चाहिए, माता पिता का प्यार बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ जाए तो उन्हें उतना ही प्यार करना हर बच्ची का कर्तव्य है। टुनटुनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से बंटी नाम के कबूतर से की थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अचानक एक दिन उसे खबर मिलती है कि बंटी की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। बहू, किसका फोन है? अरे कुछ तो बोल बहू। माँ जी सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया माँ जी। बंटी की तेज
तूफान आने के कारण मौत हो गई माँ जी। बहू तुझे गलत जानकारी मिली है, कोई तुझसे मजाक कर रहा होगा। ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। बबली अपनी बहू टुनटुनी के हाथ से फोन ले लेती है। क्या बात है कालू, तूने बहू से क्या बोला है? आंटी जी ये बात सच है, बंटी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर बबली रोने लगती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली से मिलने उसकी बहन बेबो आती है। बहना, बंटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। टुनटुनी बहू की अभी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है, बंटी तो अब आ नहीं सकता। ऐसा कर तू बहू की दूसरी शादी कर दे। चाहती तो मैं भी यही हूँ बेबो, लेकिन मैं भी क्या करूँ, बहू तो तैयार ही नहीं हो रही है। जब जब मैं उससे दूसरी शादी की बात करती हूँ रोने लगती है। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तू ही बहू को समझा। बेबो टुनटुनी की कमरे में जाती है। टुनटुनी कैसी है बेटा? अरे मौसी जी आप कब आई? मैं अभी अभी आई हूँ बेटा। मैं अभी आपके लिए फ्रूट काट कर ला रही हूँ मौसी जी। बेटा तू मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। क्या बात है मौसी जी? देख टुनटुनी, तेरी अभी बहुत लंबी जिंदगी है, तू मेरी बात मान दूसरी शादी कर ले। अब बंटी तो वापस आ नहीं सकता। मौसी जी आप ऐसी बातें मत कहिए, मैं बंटी को कभी भुला नहीं सकती, मैं दूसरी शादी अब नहीं करूँगी। देख टुनटुनी, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, तू तो जानती है ये दुनिया कैसी है। मौसी जी मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती, अब मैं माँ जी के साथ ही अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। बंटी ही उनका एकमात्र सहारा था, वो तो चला गया, अब मैं माँ जी का सहारा बनूंगी। अगर आप लोग चाहती है कि मैं खुश रहूं, तो आप लोग मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करा दीजिए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। मैं अभी बबली से कह देती हूँ, वो तेरा एडमिशन कल ही किसी कॉलेज में करा देगी। अब टुनटुनी कॉलेज जाने लगती है। एक दिन वो नोट्स लेने के लिए अपनी सहेली के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी सहेली के भाई से होती है। आप कौन है, आपको किससे काम है? मैं बुलबुल की सहेली टुनटुनी हूँ, मैं नोट्स लेने आई हूँ। बबली तो अभी घर पर नहीं है, मैं उसे बता दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुनी है। जब बुलबुल घर पर आती है तब उसका भाई रॉकी उससे कहता है, बुलबुल तुम्हारी सहेली टुनटुनी तुमसे नोट्स लेने आई थी। हाँ भैया, मैंने ही उसे घर पर बुलाया था ताकि तुम उसे देख लो और वो तुम्हें देख ले। बेचारी विधवा है और मैं उसे अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ, कहो तुम्हारी क्या राय है? ठीक है बुलबुल, मैं टुनटुनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बुलबुल अपने भाई का रिश्ता लेकर टुनटुनी के घर जाती है। आंटी जी मैं टुनटुनी को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ, मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए हैं, इसलिए मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ। बेटा मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन टुनटुनी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। बस आंटी जी आप हाँ कह दीजिए, मैं टुनटुनी को मना लूंगी। बुलबुल टुनटुनी को शादी करने के लिए बहुत मनाती है। आखिरकार टुनटुनी शादी करने के लिए मान जाती है। और एक दिन धूमधाम से टुनटुनी और रॉकी की शादी हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में कल्लू नाम के खलवाई था, वो बहुत ही लालची था। वो कद में जितना छोटा था शरीर से उतना ही मोटा था। उसकी तोन बड़े मटके के आकार की थी। उसकी मिठाई की दुकान बहुत मशहूर थी। वो मिठाई बेचकर खूब पैसे कमाता था, लेकिन अपने लालची स्वभाव के कारण वो मिठाई में बहुत मिलावट करता था। मिलावटी मिठाई के दाम भी ऊंचे रखता था और किसी भी ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता था। वो लालची होने के साथ साथ बहुत मीठी मीठी बातें करके पक्षियों को उल्लू बनाता था। एक दिन कुछ मिठाई लेने के लिए ग्राहक उसकी दुकान पर आए, तब उसने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ टुनटुनी बहन आओ, बहन सारी की सारी ताजी मिठाइयाँ हैं, लड्डू बर्फी जलेबी बर्फी पेड़ा गुलाब जामुन सब ताजे ताजे हैं। बोलो क्या क्या लोगे, कितना तोलूं? टुनटुनी ने कहा, कल्लू भाई बड़ी महंगी रहती है तुम्हारी मिठाई। कल्लू हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा,
बहन टुनटुनी, ऊंचा दाम अच्छा नाम, ऐसी मिठाई पूरे जंगल में नहीं पाओगे। पेड़े और बर्फी तो बिल्कुल शुद्ध खोए की बनवाता हूँ। कल्लू भाई, ये पेड़ा तो आज का बना हुआ नहीं लगता है। कल्लू हलवाई ने टपाक से कहा। अजी टुनटुनी बहन, ये पेड़े अभी अभी ताजे बने हुए कारखाने से लाया हूँ, खुशबू से अंदाजा लगा लो मेरी बहन। इस प्रकार से वो अपनी बासी मिठाइयाँ भी बेच लेता था। कल्लू मिठाइयाँ बेच कर बहुत पैसे कमा रहा था, फिर भी उसके मन में और लालच आता गया। उसने एक दिन खोए के एक व्यापारी से संपर्क किया, जो मिलावटी खोए का व्यापार करता था। हलवाई ने उससे मिलावटी खोया खरीदना शुरू किया। उसे मिलावटी खोया आधे से भी कम दाम में मिल जाता था और वो उससे मिठाई बना कर बहुत पैसे कमाता था। इस प्रकार वो पक्षियों की सेहत और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कल्लू हलवाई की पत्नी ने एक दिन उसे टोका और कहा, आप ऐसा मत कीजिए, ये मिलावटी खोया आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कल्लू ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, तू मेरे काम में टांग बताड़ा, व्यापार में ये सब कुछ करना पड़ता है। एक दिन बहुत सारे ग्राहकों ने कल्लू की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। कुछ घंटों के बाद जंगल में बहुत सारे पंछी को फूड पॉइजनिंग हो गई। जिसने कल्लू की भी मिठाई खाई वो सभी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। पुलिस कल्लू की दुकान पर पहुंच गई। थानेदार ने कल्लू से कहा, कल्लू तुम्हारी मिठाई खाकर बहुत से लोग बीमार हो गए, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरी मिठाइयों में कोई दोष नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है, जंगल का मौसम खराब है, आप मेरी मिठाई खा के तो देखिए। कल्लू धीरे से बुदबुदाया, आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तोल दूं। थानेदार ने अपने सिपाहियों से कहा, मिठाइयों के सैंपल लो, जांच के लिए भेजना है, और कल्लू को थाने ले चलो। कल्लू गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी एक न चली। उसके लालच ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, लालच बुरी बला है।